नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। देश भर में लोकसभा चुनाव का रण जारी है। दूसरे चरण के मतदान से पहले देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मध्य प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं। आज रात को वो भोपाल के प्रवास पर रहेंगे। सूत्रों की माने तो वो यहाँ पर भोपाल में बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनकी बैठक ले सकते हैं। बैठक लेने की प्रमुख वजह बताई जा रही है कि जो पहले चरण का मतदान है वहाँ पर कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो कम दर्ज किया गया है। कम दर्ज मतदान होने के बाद से बीजेपी का जो खेमा है वो चिंतित नज़र आ रहा है। उसको लेकर अमित शाह यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जवाब तलब कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी उनके दौरे को लेकर निशाना साधा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसे ऊर्जा का संचार बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ रही है और देश में अब की बार 400 पार को जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है उसको चरितार्थ करना है। कार्यकर्ता हमारा परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक, पूरी दमदारी के साथ लड़ती है और हम निश्चित रूप से जो हमारा इस बार का लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य है। इसलिए जब शीर्ष नेतृत्व आता है, कल आपने देखा कैसे माननीय मोदी जी जब भोपाल आए, विश्व के लोकप्रिय नेता जब भोपाल आए तो पूरा भोपाल भगवामय हो गया। पूरा भोपाल माननीय मोदी जी के साथ एक ही बात कह रहा था कि अब की बार 400 पार। निश्चित रूप से जब माननीय अमित भाई शाह भी आएंगे तो प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह, उमंग और जोश का संचार होगा और हम कैसे अपने मिशन को पूरा करें, मिशन 29 हम कैसे आगे बढ़ें, यह हम उसमें अग्रसर होंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम मध्य प्रदेश में मिशन 29 का जो लक्ष्य है उसको भी छुएंगे और देश में अब की बार 400 पार को भी चरितार्थ करेंगे। आप देखिए, 25 फरवरी को अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और 11 अप्रैल को मुरैना में बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और उन्होंने ये कहा था कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है। अब आप बताइए, 18% वोट कम हुआ सीधी में, 12% वोट कम हुआ शहडोल में, 5% वोट कम हुआ बालाघाट और मंडला में, 3.3% वोट कम हुआ छिंदवाड़ा में। तो ये 370 वोट कहाँ चले गए बताएं। अमित शाह और बीडी शर्मा जी, इनके हिसाब से तो पहले चरण में 20% वोट बढ़ना चाहिए पिछले चुनाव की तुलना में, लेकिन वोट परसेंट कम हुआ। ये इसलिए हुआ कि इन्होंने स्थापना दिवस पर ये कहा कि 2 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, 2 लाख, तो वोट परसेंट बढ़ना चाहिए। अब बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जब 2 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए तो वो ही वोट डलवा लें, हमारी क्या ज़रूरत है। और 18 साल से इनकी सरकार है तो बीजेपी के नेता तो बड़े आदमी बन गए, सारी मलाई उनने खा ली, हमें क्या मिला। तो बीजेपी के कार्यकर्ता की उदासीनता की वजह से वोट परसेंट गिरा और धरती हिलती हुई दिखाई दे रही है। कठिन चुनौती बीजेपी के सामने है और उसके चलते 6 बार मोदी जी भोपाल आए, आज रात को 10 बजे 5 सितारा होटल में, ताज में मोदी जी अमित शाह जी मीटिंग ले रहे हैं गृह मंत्री जी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ये 28 सीट जीते थे, अब इनको ये लग रहा है कि उत्तर भारत में इनकी सीटें कम हो रही हैं, दक्षिण भारत में मिल नहीं रही हैं, पश्चिम बंगाल में कम हो रही हैं, बिहार में कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में कम हो रही हैं, इसकी भरपाई ये कहाँ करेंगे। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, तो ये जो साइनिंग इंडिया का गुब्बारा फूटा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वैसे ही गुब्बारा फूटने वाला है चुनाव में, गारंटी का। हाँ, मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।